एक क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी इज डिवाइडेड एट पी, ठीक है, एंड सी डी एट क्यू, सी डी क्यू पे और ए बी पी पे, ए पी इज टू पी बी थ्री इज टू टू का रेशियो दे रखा है, ए थ्री पार्ट है, ए टू पार्ट है, और यहाँ पे सी क्यू इज टू क्यू डी जो है ना फोर इज टू वन का रेशियो में, फोर इज टू वन का रेशियो, ऑब्वियसली अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सिंगो इक्वल होते हैं, तो हमने समझ में आ कि भाई साइड्स तो इक्वल ही होगा, चाहे किसी रेशियो में क्यों नहीं, सी डी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी होगा, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर ए पी को हम अगर मान लो, ए पी को अगर हम 3x मान लें और पी बी को, पी बी को अगर हम 2x मान लें, ठीक है, सी क्यू आपका 4x हो गया और क्यू डी जो है दैट विल बी क्या होगा 1x होगा, ठीक है, तो यानी कि ये 5x हो जाएंगे, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए आर पी जो है ना, ए आर पी जो है सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, और सी सी आर क्यू होगा, ठीक है, एक आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ले सकते हो, ठीक है, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल सकते हो, दोनों को आप कर सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ए पी, ठीक है, ए पी अपॉन, ए पी अपॉन सी क्यू, ए पी अपॉन सी क्यू जो होगा दैट इक्वल्स टू ए आर अपॉन क्या होगा सी आर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अब ए पी आपके पास बच्चों 3x है और सी क्यू जो है 4x है और ए आर जो है हमारे पास ए आर जो है ए आर, हाँ ए आर अपॉन आर सी, एक सेकेंड, हम ए आर अपॉन आर सी, ठीक है, तो कह रहे ना यहाँ पर हमारे पास आ गया ए आर अपॉन आर सी आ गया, ए आर अपॉन आर सी आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए आर अपॉन आर सी तो हमने निकाल लिया भाई आराम से, ये 3:4 के रेशो एक कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ए आर जो होगा, ठीक है, वो 3x होगा, आर सी जो होगा 4 पार्ट होगा, यानी कि यार यहां मान लो कि 3 होगा और आर सी को यहां पे हम 4 पार्ट मान सकते हैं, दैट मीन्स कि पूरा ए आर और आर सी निकाल लिया, तो ए सी जो होगा ना, यानी कि इस केस में ए सी जो होगा वो 7 होगा, यानी कि 7 होगा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए आर अपॉन ए सी जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ए आर अपॉन ए सी जो होगा वो 3/7 होगा, क्या होगा 3/7 होगा, इसका लिख सकते हैं कि ए आर जो होगा 3/7 ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, ए सी लिख सकते हैं। अब आप जब भी पेपर में करोगे तो इसको इस तरीके से कभी नहीं दिखाओगे, यहां पर ऐसे आपको नहीं दिखाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ए आर अपॉन, आप सीधा आप इसको दिखाइएगा यहां पर, क्योंकि जब रेशियोज में तो डायरेक्टली उससे हम 3 और 4 एज्यूम नहीं करेंगे, तो मैंने समझाने के पर्पज से किया था कि ए आर और आर सी 3/4 है, मतलब कि ए आर अपॉन ए सी करेंगे तो 3/7 हो जाएगा, तो ए आर जो होगा 3/7 ए सी के इक्वल होगा।